हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो क्या आप जानना चाहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लुक मैंने किस तरीके से क्रिएट की है? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक मस्त देखिएगा और बताइएगा कि ब्लैक ड्रेस के साथ हमने कैसी स्टाइलिंग की है और ये कैसा लग रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी एंड कॉमेंट मी कि नेक्स्ट में किस ड्रेस के साथ, किस कलर के साथ आपके लिए जो है वो अमेजिंग किस्म की स्टाइलिंग और ट्यूटोरियल जो है वो लेकर आऊँ। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताती चलूं कि आज से जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूं अपने क्लोजेट की 365 डेज की एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की एपिसोड्स का, जिसमें आप रेगुलर देखेंगे मेरे एक नए ड्रेस के साथ, एक नया लुक, एक नया मेकअप ट्यूटोरियल, और आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे भी और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करेंगे। तो आज जो है वो मुझे, क्योंकि अभी किसी इवेंट पे जाना है, सो आई फील सो अमेजिंग आफ्टर वेयरिंग दिस ब्लैक कलर। और ये बहुत ही अमेजिंग किस्म का आर्टिकल है। इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज यू कैन कॉमेंट मी, आई गिव यू ऑल द डिटेल्स। और ये बहुत ही प्यारा ड्रेस है। चलिए आज का ब्लैक ड्रेस के साथ जो मेकअप है उसको हम स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरा ड्रेस बहुत ही अमेजिंग है, और वैसे भी मैं अच्छी लग रही हूँ, बुरी नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। सो इसलिए मैं इसके साथ बहुत ही अमेजिंग किस्म का सॉफ्ट गोल्ड स्मोकी आई मेकअप करने वाली हूँ, जो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप लोग मुझे मस्त भी बताइएगा कि ये जो है वो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि बेस में ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ, और आईब्रोज को जो है वो मैं ऑलरेडी शेप कर चुकी हूँ। सो अब जो है जस्ट हम आईब्रोज को जो है स्पूली की मदद से थोड़ा सा जो है वो ब्लेंड करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे, ठीक है। और आईब्रोज जो है, इसलिए सबसे पहले हम हेयर्स को जो है वो पीछे की तरफ करके यूं क्लिप कर लेंगे। ठीक है, बेस जो है वो हम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, और एक दफ़ा फिर हम जो है वो ब्लेंडर से बेस को सेट कर लेंगे। लिप्स पे पिंकिश मेरा लुक आ रहा होगा, ऑब्वियसली वो मैंने थोड़ा सा टेंट लगाया था, ठीक है, और टेंट की वजह से जो है वो हमें ये शेप जो है वो आ रही है। ज़्यादातर फ्रेंड्स मैंने देखा है कि लड़कियाँ जो है वो शर्माती हैं अपनी एक नेचुरल जो अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है लुक, और उसके ऊपर वो मेकअप करने में बहुत ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट रहती हैं। देखिए, आपको जो भी कुछ बनाया है, अल्लाह ने बनाया है, यू आर द परफेक्ट। बस ये है कि अपनी स्किन टोन को एक्सेप्ट कर लें, अपने आप को एक्सेप्ट कर लें कि आप ऐसे ही हैं, ठीक है। और बेहतर लगने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उस चीज़ को लेकर बैठ जाना, अपने आप को टोटली एक बहुत अजीब से जोन में दाखिल कर लेना कि आप कमतर हैं और आप इस तरीके से हैं, नो, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन बनाया है। सो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, अपने उसी लुक में एक्सपर्ट लेवल का मेकअप जो है वो करने की आप कोशिश करें। सो हियर, आज के इस एपिसोड में मैंने जो स्टार्ट लिया है वो मैंने ब्लैक ड्रेस से लिया है, ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले हमने बेस को सेट कर लिया है, ठीक है, और बेस को हमने जो है वो रिवाज का मैं ये वाला पाउडर यूज़ करूँगी, ये ब्रश यूज़ करूँगी। ये वाला ब्रश इंतहाई सॉफ्ट फाइबर्स के साथ है, इसीलिए इसको हम अंडर आई जो है वो सेट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म बेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। सो फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई अ प्रॉपर बेस अलोंग विद ब्यूटी ब्लेंडर, मेरी एक बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो जो है वो यूट्यूब पर मैंने अपलोड की है। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप लोग उसको देखें और मुझे कॉमेंट करें, मस्त भी, मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटोरियल जो है वो लेकर आऊँगी। सो फ्रेंड्स, बिगनर्स के लिए अगर वो स्मोकी आई मेकअप करना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड के दे यूज सम टेप टू ड्रॉ अ कॉर्नर ऑफ स्मोकी आई, ठीक है। तो उसके लिए जो है हम ये वाली मेडिकल टेप यूज़ कर सकते हैं, दूसरी टेप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये वाली टेप बहुत अमेजिंग है क्योंकि ये ईजी टू टीयर है, ये आराम स्पून से जो है वो टीयर हो जाती है, ठीक है। और इसको हम इस जगह पर लगाएंगे, यहाँ, ठीक है, और सेम इसी तरीके का एक पीस हम यूं करके टीयर करेंगे, ठीक है। ये मुझे बहुत मज़े की चीज़ लगती है क्योंकि ये बहुत अमेजिंग तरीके से जो है ना वो टीयर हो जाती है। सो हम इसको भी यहाँ से ऐसे जो है वो लगा लेंगे,
ताकि आपका स्मोकी आई मेकअप अच्छे से जो है वो ड्रॉ हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना मेकअप ट्यूटोरियल बाय यूजिंग द प्राइम योर आईज, क्योंकि बेस ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अगर हमने आई शेडोज अप्लाई करने हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है वो आईज को प्रॉपर प्राइम करेंगे। तो उसके लिए हम यूटिलाइज करेंगे कोई भी आइवरी शेड, आप यूज कर सकते हैं, कंसीलर यूज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे एक आइवरी मेरे पास जो है वो मौजूद है, एक मजे की ये वाली हांडी बेस आइवरी शेड में, और ये वाला ब्रश जो है थिन सा हम इसके साथ यूटिलाइज करेंगे अपनी आईज को प्राइम करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से जो है वो आपने इस ब्रश को इसके ऊपर यूं करके अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये ब्रश बहुत थिन सा होता है, सो इसको आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है अपनी आईब्रोज के नीचे से, स्लोली स्लोली, ठीक है, यूं करके। अब आप देख सकते हैं कि आपकी आईज कितने अच्छे से प्राइम हो गई हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी तरीके से इसी मेथड से किसी भी आईवरी शेड या थोड़े से लाइट शेड कंसीलर के साथ जो है वो अपनी आई को प्राइम करेंगे, और इस सेकेंड आई को भी सेम मेथड से प्राइम करेंगे। दोनों आईज को जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो प्राइम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी सेटिंग पाउडर लेकर इस जो आपने आईज को प्राइम किया है इसको हम इस सेटिंग पाउडर के जरिए जो है वो हम सेट करेंगे। ये जो है प्रोसीजर आप इस ब्रश के जरिए भी कर सकते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर के जरिए भी कर सकते हैं। सो मैं लाइट लाइट ब्रश के जरिए पहले करूंगी, उसके बाद सेकेंड स्टेप में ब्यूटी ब्लेंडर से भी आपको करके दिखाऊंगी। इस तरीके से हम जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर को हम इस तरीके से इस पाउडर पे यूं करके, जी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आईज को हमने बड़े अच्छे से प्राइम कर लिया है, क्योंकि हमने आई शेडोज अप्लाई करने हैं और बड़े प्रोफेशनल तरीके से अप्लाई करने हैं, क्योंकि हमारा ड्रेस बहुत अमेजिंग है। सो इसलिए हम आईज को जो है वो प्रॉपर ब्यूटी ब्लेंडर के जरिए भी जो है वो उसे सेटिंग पाउडर से सेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाता है जी कोई भी बहुत ही सॉफ्ट किस्म का लाइट जो है वो ट्रांजिशन शेड, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे। लेट मी शो यू कि इस पैलेट में से हम ये वाला शेड जो है वो हम ले लेंगे, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको हम ब्रश से मस्ट बी जो है डस्ट ऑफ कर लेंगे, और इस तरीके से जो है वो हम इसको अप्लाई कर लेंगे। सेम आई पे सेम प्रोसीजर, और ट्रांजिशन बहुत ही लाइट ट्रांजिशन शेड जो है वो सी के दोनों जो है वो इवनली अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास आ जाता है ब्राउन शेड, प्रॉपर जो ब्राउन शेड है उसको हम इस वाले ब्रश की मदद से, ब्राउन शेड हमने लिया है, ठीक है, और ब्राउन शेड को हम आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करें। हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे अपने क्रीज लाइन पे भी, ठीक है। सेम शेड हम
इधर से आउटर कॉर्नर पर जो है वो अप्लाई करेंगे। यू कैन सी कि हम ब्राउन शेड जो है वो इवन लगाएंगे दोनों साइडों पर, ताकि एक साइड कम और एक साइड ज्यादा ना लगे। ठीक है, और शेड जब भी आपने लगाना है स्मोकी आई के मेकअप के लिए तो डैबिंग मूवमेंट में लगाएं। आप ड्रैग करेंगे तो आपका शेड बिल्कुल ही जो है वो खराब हो जाएगा, आपके कलर्स जो है वो वाइब्रेंट आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो डैबिंग मूवमेंट में शेड्स को अप्लाई कर लेंगे। सेम साइड दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं कि शेड जो है वो बहुत इवनली वो लग चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बहुत ब्राउन से बहुत ज़्यादा लाइट वाला शेड लेकर हम अपनी क्रीज लाइन को ब्लेंड कर लेंगे इस तरीके से। ताकि ये शेड जो है वो प्रॉपर जो है ना वे में ब्लेंडेड लगे। ठीक है, इस तरीके से शेड जो है वो प्रॉपर ब्लेंडेड फॉर्म में जो है वो लग चुका हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमें बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो है वो लाइट गोल्डन टच में जो है वो मेकअप हमें चाहिए होगा। ठीक है, मेटालिक शेड हम यूटिलाइज़ करेंगे और यहाँ पे मैं आपको शो कर सकती हूँ ये वाले पैलेट में हम ये वाला मेटालिक शेड भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डल गोल्डन है तो इसलिए हम इसमें बहुत ही लाइट वाला जो मेटालिक शेड है उसको हम लेंगे, उसको हम यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, फ्रेंड यू कैन सी कि हमने डैबिंग मोमेंट में इस वाले शेड को जो है वो ब्लैक के साथ ब्लेंड कर लिया हुआ है। ठीक है, सेम शेड हम दूसरे वाले आई पे भी अप्लाई करेंगे। इस ब्रश के साथ हमने जो ब्राउन शेड है वो लगाया था, सेम उसी ब्रश के साथ जो है वो हम ब्लैक शेड लेंगे। और ब्लैक शेड क्योंकि स्मोकी आया है थोड़ा सा स्मोक टच देना ज़रूरी है, सो इसलिए हम इसको आउटर कॉर्नर की तरफ ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी फ्रेंड्स कि कितना अमेजिंग किस्म का जो स्मोकी टच है वो हमने अपने आईज को जो है वो दे दिया हो। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो है वो हम यूटिलाइज करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो शेड है। ठीक है, उसको हम अपने इनर कॉर्नर की तरफ जो है वो अप्लाई करेंगे।
सेम इसी तरीके का जो है वो विंग आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर लेंगे। इस तरीके से जी हमने आईलाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया, ठीक है। आईलाइनर भी हमारा जो है वो लग चुका है। सो आईज को हाईलाइट करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई यूजुअली यूटिलाइज स्मोकी आई के साथ जो है वो आपका काजल जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सो इसलिए मैं जो है वो जब भी ब्लैक ड्रेस के जो है वो कैरी करती हूँ तो मैं उसके साथ जो है वो काजल ड्राई फॉर्म में मस्ट भी यूज़ करती हूँ। इस ब्रश के साथ जो है वो काजल मैंने अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर है जी, नीचे वाली आईज के अंडर आई जो है वो आपने शेड को जो है वो स्प्रेड करना है। तो वो कौन सा शेड होगा जो हम करेंगे, हम ब्लैक को भी स्मज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग किस्म का हमारे पास जो ब्राउन शेड है उसको स्मज करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्मज के लिए ये वाला ब्रश जो है मैंने आपको बताया था वो हम यूज़ करेंगे ब्लैक के साथ। नाउ यू कैन सी कि ब्राउन शेड जो है वो ब्लैक के साथ स्मज होकर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा आई मेकअप हो चुका है कंप्लीट। अब सिर्फ लास्ट प्रोसेस हमारा बाकी है और वो है जी मस्कारा, के मस्कारा मैं किस तरीके से लगाती हूँ। मस्कारा यहाँ पे आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जी यूज़ कर रही हूँ बॉब का प्रोफेशनल मस्कारा, जो बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो है वो फिनिशिंग और रिजल्ट देता है। सो मस्कारा लगाते हुए सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप में अपनी आईज को जो है वो लैशेस को ऊपर की तरफ करेंगे। अगर आपने लैशेस आर्टिफिशियल भी लगानी है तब भी आप मस्कारे से पहले अपनी आई लैशेस को सेट करें, फिर ही आपके आई लैशेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की दिखाई। मस्कारा जो है वो हमें बड़े एहतियात से लगाना पड़ता है, क्योंकि मस्कारा जो है वो यूजुअली आपके आईज के आसपास जो है वो लग जाता होता है। सो अब हम इसको डाउनवर्ड करेंगे, इसको भी हम डाउनवर्ड करेंगे एंड देन वी विल लिफ्ट इट। मेरी अपनी लैशेस बहुत अच्छी हैं और लैशेस को ग्रो करने के लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दूंगी। सो फ्रेंड्स, आप आई होप मेरी आईज जो है बहुत अमेजिंग लग रही हैं, आप लोग की भी लग सकती हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें और मेकअप को अपना पैशन बनाएं, ये बहुत मजे की चीज है। सो हम मस्कारा सबसे पहले अप्लाई कर लेंगे और अपने लैशेस को अच्छे से ऊपर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, मेकअप हो चुका है। आई मेकअप पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और आई मेकअप ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो स्मोकी गोल्ड आई मेकअप आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम अपना बाकी का जो मेकअप है उसको कंप्लीट कर लें जी। तो फ्रेंड्स, आई मेकअप हो चुका है हमारा कंप्लीट। आई होप ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है और ब्लैक ड्रेस के साथ आप इस आई मेकअप को मस्ट भी ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अमेजिंग लगेगा किसी शादी में, किसी वलीमे में। अगर आप ब्लैक ड्रेस कैरी करते हैं तो आप ये वाली लुक जो है वो ऑब्वियसली कैरी करेंगे। लैशेस मैं भी ठहर के लगाऊंगी, देन आई विल शो यू द फाइनल लुक। अभी हम सबसे पहले जो है वो ब्लश लगाएंगे। ब्लश के बगैर हर तरह का मेकअप जो है वो इनकम्प्लीट होता है। सो ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ रिवाज का ही और इस ब्रश के साथ, क्योंकि मुझे सन किस पसंद है। सो हर बंदा अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ब्लश लगाता है, ठीक है। सो मुझे सन किस पसंद है, मैं सन किस लगाऊंगी।
और मैं आपको दिखाऊं। जी तो फ्रेंड्स, फुटवेयर्स में मैं ये वाले जो खुशे हैं ये वेयर करने जा रही हूँ। होप आप लोगों को मेरा फुटवेयर जो है वो अच्छा लगा होगा। इस ड्रेस के साथ जो फुटवेयर है वो खुसा ही बहुत बेहतरीन लगेगा, आई थिंक सो। ये थोड़ा सा फैंसी है तो खुसा भी बहुत अमेजिंग किस्म का, उसमें भी डल गोल्डन शेड है। तो ज्वेलरी के लिए जो है वो मैंने ये वाला ज्वेलरी सेट जो है वो सिलेक्ट किया है, और ज्वेलरी मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। सम डे आई विल शो यू कि आप किस तरीके से अपनी ज्वेलरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ख़राब होने से। सो आई विल टेक आउट दिस वन और मैं आपको दिखाऊंगी भी कि कितना मोस्ट अमेजिंग किस्म का जो है वो ज्वेलरी सेट है। सो ये वाला सेट जो है मैं वो वेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके सारे कलर जो हैं वो मेरे ड्रेस में मौजूद हैं। तो चलिए इसको वेयर करते हैं। थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से आपका गला थोड़ा सा ऐसे होगा, सो फ्रेंड्स You can see, it's a beautiful necklace. जी तो फ्रेंड्स, ये वाले इयररिंग्स इसके साथ जो है हम पहनने जा रहे हैं। आई होप जो है वो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला सेट भी, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सेट है ब्लैक के साथ, स्पेशली इस ड्रेस के साथ। और मैं आपको दिखाऊंगी कि सेल्फली जो ड्रेस मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो अमेजिंग हैं। अपने एयर्स को जो है वो ऑयल जो है वो लगाते रहिए ताकि जी। तो फ्रेंड्स, अब हमने एक्सेसरीज जो हैं वो भी साथ में जो है वो पहन ली हैं ब्लैक ड्रेस के साथ, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी मेरे मेकअप लुक भी, और साथ में लिपस्टिक शेड भी। और इसके साथ जो है फ्रेंड्स मैंने जो है वो चूज़ की हैं कुछ लाइट सी बैंगल्स, क्योंकि बैंगल्स अगर आप नहीं पहनते हैं तो वो बहुत फिर अजीब सा भी लगता है। लेकिन ये कि आपको क्योंकि एक स्पेशल इवेंट में जाना है तो स्पेशल तैयारी, एक जाज़िब नज़र आपको लगना चाहिए। सो बैंगल्स में यूटिलाइज करने वाली हूँ दिस वन, और ये मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये मेरे टोटली ड्रेस के अकॉर्डिंग है सारा कुछ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। जी तो माई यूट्यूब फैमिली, आई होप आपको आज की मेरी ये जो स्मोकी आई लुक विद ब्लैक ड्रेस है ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं इस किस्म के अमेजिंग किस्म के ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आऊँ तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज एंड अपकमिंग एपिसोड। और इस वीडियो के एंड में आप देखेंगे इस ड्रेस के साथ मेरी कुछ रील्स और कम्प्लीट इस ड्रेस के लुक के ये किस तरीके से लग रहा है। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। Stay blessed. Allah Hafiz. Look at my this one dress. It's so beautiful. And आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो मेरा आई मेकअप कितना अमेजिंग लग रहा है। और आप लोग इस आई मेकअप लुक को मस्ट भी ट्राई करना, और मुझे कॉमेंट भी कीजिएगा और मेरा आउटफिट भी रेट कीजिएगा कि हाउ इज़ माई आउटफिट।